अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। निरंकारी समागम के सामूहिक विवाह समारोह में 73 जोड़ों ने लिए फेरे। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने दिया आशीष। नासिक में आयोजित 53वें संत निरंकारी समागम के आखिरी दिन सामूहिक विवाह समारोह में देश विदेश के कुल 73 जोड़ों ने सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के सानिध्य में शादी रचाई और उनका दिव्य आशीर्वाद लिया। संगीत के बीच पवित्र मंत्र स्वरूप 4 निरंकारी लावा पढ़ी गई और जोड़ों पर फूलों की वर्षा की गई। नवविवाहित जोड़ों को आशीष देते हुए सदगुरु माता ने सबको अपने गृहस्थ जिम्मेदारियां निभाते हुए अधिकारों की बजाय अपने कर्तव्यों को अधिक महत्व देने का आह्वान किया। उन्होंने जोड़ों को निरंतर प्रभु की सेवा सुमिरन और सत्संग करते हुए कल्याण की प्रार्थना भी की। प्यार से कहना, ये समागम के बाद जो इस रूप में, जहाँ ये सामूहिक विवाह के रूप में आज 73 कपल्स हैं जो जिनका ये बंधन इस रूप में जुड़ रहा है, तो ये दो एक हस्बैंड वाइफ भी सिर्फ आपस में नाता नहीं जोड़ रहे, तो उनके परिवार भी आपस में नाता जोड़ रहे हैं। तो ये जिम्मेवारी जहाँ वर और वधु दोनों की है कि कैसे आगे ये भक्ति में लीन होके अपने ये आगे की यात्रा को तय करना है, परिवार में सभी की इज्जत करते हुए और एक दूसरे के भावों की कदर करते हुए कैसे ये सेवा सिमरन सत्संग से के लिए दोनों ने एक दूसरे का सहयोग करना है, वो उत्साह डालना है कि कहीं वो आलस रूप ना हो जाए, कोई भक्ति मार्ग में कहीं पीछे है तो उसके साथी का फर्ज है कि उसको और इनकरेज करे। और ये दातार ये इस विवाह से जो अब दो हो गए हैं, तो ये दातार सभी पे कृपा करे कि कैसे हर एक समय में बस निरंकार प्रभु परमात्मा ही आगे याद हो, तो अपने आप अपनी सारी ड्यूटीज़ भी, अपने फ़र्ज भी ये प्यार से आगे और मुकम्मल होते जाएंगे। तो आज जहाँ सिर्फ महाराष्ट्र के ही परिवार नहीं हैं, चंडीगढ़, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली और यूनाइटेड किंगडम के भी हैं, तो दातार सभी पे कृपा करे कि परिवार में जहाँ खुशहाली हो वहाँ सेवा सिमरन सत्संग के जरिए इस निरंकार प्रभु का जो एहसास है वो हर एक के जीवन में सदा बना रहे। सात संगत जी, धन निरंकार जी। वहीं निरंकारी मंडल के महासचिव रिटायर्ड ब्रिगेडियर पीएस चीमा ने अपनी शुभकामनाओं के साथ जानकारी देते हुए कहा कि विवाह समारोह में मुंबई से 29 दूल्हे, 28 दुल्हन, जबकि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से 38 दूल्हे और 26 दुल्हनों ने हिस्सा लिया। 6 दूल्हे और 10 दुल्हन दूसरे राज्यों से आए हुए थे। आज के त्रिपुर में संत समागम के 27 जनवरी 2020 को मिशन ने ये सामूहिक शादियों का ये दिन रचा है, जिसमें 74 सामूहिक शादियां हो रही हैं। और हर्ष की बात ये है कि नासिक में जो ये बड़ी पवित्र धरती है, यहाँ पर 29 ग्रूम जो वर हैं वो मुंबई से आए हैं, 28 वधु मुंबई से आई हैं, और अपने बाकी जो जोन महाराष्ट्र के हैं वहाँ पर 39 वर हैं और 36 वधु आई हैं। इसके अतिरिक्त बाकी जो हिंदुस्तान इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनमें में ही 6 वर हैं और 10 वधु हैं और एक वधु यूके से आई हैं। तो ये जो मैसेज है मिशन का वो ये है कि एक सिंपल मैरिज हो, वर वधु के परिवारों के ऊपर उस तरीके का जो दिखावा है वो ना हो, क्योंकि मिशन इनके लिए ना कि ये अरेंजमेंट करता है इनकी रिहाइश के लिए, इनके पोशाक और भी हर प्रकार के जो एरियाज़ हैं वो देख करके, कहने का तात्पर्य है ये कि आज सिंप्लिसिटी, ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं वो दूर हो गई हैं, आज दिखावा बढ़ गया है, लेकिन प्रभु के नज़रिया में हम सब एक हैं। तो वो एकता के अंदर में ये सामूहिक शादियाँ जो हैं वो सबको हर स्थिति के जो हैं, जो आपको ये भी हर्ष होगा कि स्वयं बाबा जी की भी जब शादी हुई थी या सदगुरु माता जी की भी, वही सामूहिक शादियों में की गई, ताकि ये संदेश जाए कि हम सब एक हैं, हर प्रकार एक है,
इकोनॉमिक वाइज कास्ट वाइज हम मानते नहीं हैं, क्योंकि एक प्रभु और एकस के हम बालक हैं। जश्न मना रहे, मतलब बहुत सारे लोग आए, बहुत महात्मा आए, माता जी आए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे वाइफ का सपना भी था माता जी को लाइव देखना है, उसे उनके शरण छूना है, तो उसका सपना था, वो भी पूरा हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये माता जी का ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि हम आज यहाँ पे आए हैं, और हम इतनी लाखों में सत्संग देखकर और हम उनके ब्लेसिंग के पात्र बने हैं, ये हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग की बात है। सो एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या फील हो रहा है अंदर से। सच्चा महापुरुषांचा आशीर्वाद मिळतो, तो ते उद्देश भाग्यात कुठे भेटणार नाही, हे आशीर्वाद आहे। मनापासून आमची इच्छा होती माताजीचं दर्शन का लग्न विवाह समागममध्ये करायचं। समागम का ये मेला है, हम दोनों एक हो रहे हैं, इससे ज़्यादा खुशी हमको और कोई नहीं है, और लाखों करोड़ों लोगों का हमको आशीर्वाद मिल रहा है। इतनी उपस्थिति में हमारा या जीवन का एक उद्देश्य पार पड़ रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।